हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908। मेरे पास कई सारे कमेंट्स और मैसेजेस आए जिनमें लोगों ने कहा कि एक रेस्टिट्यूशन पर एक वीडियो बनाइए, प्रत्यास्थापन। तो आज हम रेस्टिट्यूशन पर बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में नोट करते हुए चलें और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम में नोट करते हुए चलें। अपना पेन और अपना कॉपी साथ में रखें, नोट्स बनाते चलें और कोशिश कीजिए कि वीडियोस को हेडफोन लगाकर सुने जिससे आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक के साथ। हमारे पास एक व्यक्ति था ए और दूसरा है बी। इन दोनों के बीच में पैसों को लेन देने लेके कुछ झगड़ा था और ये दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट कहता है कि ये पैसे बी को मिलने चाहिए और वो पैसे बी के फेवर में डिग्री कर देता है और बी अपने घर खुशी खुशी चला जाता है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि कोर्ट ने एक डिग्री फेवर में कर दी। किसके ये पैसे किसको मिलेंगे? बी को मिलेंगे। और ए ये अमाउंट डिग्री के बाद किसको दे देता है? बी को दे देता है। तो बी को अपना पैसा मिल गया, वो घर चला गया। लेकिन बाद में ए क्या करता है? बी के खिलाफ अपील कर देता है। कहाँ पे? अपीलेट कोर्ट में। हाई कोर्ट भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है और आपका सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। अपील कर दी। अपीलेट कोर्ट ने क्या किया कि जो पैसों के लेन देन की बात थी उसको रिवर्ट कर दिया। अपीलेट कोर्ट ने जो डिक्री लोअर कोर्ट ने बी के फेवर में दी थी, बी को डिक्री होल्डर बनाया था। अपीलेट कोर्ट कहता है कि नहीं, वो गलत है, इसके लिए हम ए के फेवर में जाएगी, डिक्री गलत है। नीचे वाले कोर्ट का जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है वो एररनेस है और उस जजमेंट को कैंसिल करके रिवर्स कर दिया जाता है और ये पैसा किसको मिलना चाहिए? ये ए के पास ही रहना चाहिए, ये बी के पास नहीं जाएगा। लेकिन लोअर कोर्ट में जो ए है वो तो बी को दे चुका है पैसे। अब इन पैसों का पोजेशन किसके पास है? भाई लोअर कोर्ट ने दिला दी किसको? ए को, बी को। लोअर कोर्ट ने बी को दिलवा दिए ए से और अभी आपका अपीलेट कोर्ट कहता है कि नहीं, इसके ऊपर तो भाई ए का ही हक है, ये ए को मिलने चाहिए। तो ए को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? उसको उसके पैसे वापस कैसे मिलेंगे? इसी के बारे में बात करेंगे आज हम रेस्टिट्यूशन की। आपने दोनों प्रॉब्लम को अच्छे से समझा है। देखिए, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोरेशन ऑफ समथिंग टू इट्स राइटफुल ओनर। अब पैसे का एक्चुअल राइटफुल ओनर कौन था? ए था, पर लोअर कोर्ट ने वो बी को दिला दिए थे। अब जब अपीलेट कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, इस पे तो ए का ही अधिकार बनता है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन आएगी। और इसका कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 144 यानी कि धारा 144 में दिया गया है। एक लैटिन मैक्सिम है, एक्टस क्यूरिया निमेनेम ग्रेविट। काफ़ी फेमस लैटिन मैक्सिम है और डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन इसी मैक्सिम पे बेस्ड है। इसका मतलब होता है कि द एक्ट ऑफ कोर्ट शैल हार्म नो वन, कि न्यायालय का कोई भी कार्य किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किसी भी सूटर को, किसी भी केस करने वाले को जो न्यायालय के पास न्याय के लिए आते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा न्यायालय कार्य से। क्योंकि न्यायालय का काम क्या है? सही को सही और गलत को गलत कहना, गलत साबित करना। सेक्शन 144 एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन, एक बार बेयर एक डेफिनेशन पढ़ते हैं हम इसकी। वेयर एंड इन सो फार एज अ डिक्री और एन ऑर्डर इज वैलिड और रिवर्स्ड इन एनी अपील रिवीजन और अदर प्रोसीडिंग और इज सेट असाइड और मॉडिफाइड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड फॉर द पर्पज। किसी भी केस में कोई ऐसी डिक्री जो या तो रिवर्स कर दी जाए अपील में, रिवीजन में,
या किसी दूसरी प्रोसीडिंग में उसको सेट असाइड कर दिया जाए, या क्या कर दिया जाए, मॉडिफाई कर दिया जाए। द कोर्ट शैल पास द डिक्री और ऑर्डर शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी इनटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट बाय द वे ऑफ रेस्टिट्यूशन और अदरवाइज। ये कब होगा? जब कोई डिक्री रिवर्स हो गई है अपील में, रिवीजन में, या किसी दूसरी प्रोसीडिंग में, या उसको सेट असाइड कर दिया गया है या मॉडिफाई कर दिया गया है। तो जो पहले वाली डिक्री थी, जिस डिक्री को मॉडिफाई किया गया है, उसमें तो बेनिफिट किसी और को मिला होगा, लेकिन आफ्टर रिवर्सल जब वो जजमेंट ठीक कर लिया जाता है, तो अपीलेट कोर्ट उसको बोलता है कि नहीं, इसका एक्चुअल ऑनर कोई दूसरा दूसरा बंदा है, तो उसमें क्या होगा कि पार्टी एक एप्लीकेशन लगाएगी। कौन पार्टी? जो इंटाइटल है बेनिफिट लेने के लिए बाई वे ऑफ रेस्टिट्यूशन और अदरवाइज, या किसी दूसरे तरीके से। कॉज सच रेस्टिट्यूशन टू बी मेड एज वेल सो फार एज मे बी प्लेस द पार्टीज इन अ पोजिशन विच दे वुड हैव ऑक्युपाइड बट फॉर सच डिग्री और ऑर्डर और सच पार्ट देयर ऑफ एज ही हैज बीन वेरिड रिवर्स्ड सेट असाइड और मॉडिफाइड एंड फॉर दिस पर्पज द कोर्ट मे मेक एनी ऑर्डर। अब रेस्टिट्यूशन से भी उसके पास रिस्टोर कराया जाए जो चीज़ लोअर कोर्ट की डिग्री की वजह से एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास चली गई है। पोजेशन हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, या राइट्स हो सकते हैं। तो जब वो डिग्री रिवर्स हो जाएगी अपील में या किसी दूसरी प्रोसीडिंग में, तो क्या होगा? रेस्टिट्यूशन के थ्रू उसको रिस्टोर किया जाएगा कि भाई आपके पास गलत आ गई है। न्यायालय का ये वहाँ पे प्राइम ड्यूटी बनती है कि उस चीज़ को एक्चुअल ओनर के पास वो रिवर्स कराए, उसका पोजीशन उसको फिर से दिलाए। द कोर्ट मे मेक एनी ऑर्डर, तो न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगा इंक्लूडिंग द ऑर्डर फॉर द रिफंड ऑफ द कॉस्ट, भी जो कॉस्ट आपको दिलवाया गया उसको रिफंड करो, फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी पे करो। भाई इतने दिन जब तक अपीलेट कोर्ट ने डिग्री को रिवर्स नहीं किया, तब तक आपके पास रहा ना वो अमाउंट, तो उसका इंटरेस्ट पे करो, डैमेजेस पे करो, कंपनसेशन एंड मैस ने प्रॉफिट भी देना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्या रेस्टिट्यूशन में मैस ने प्रॉफिट मिलता है? हाँ, रेस्टिट्यूशन में मैस ने प्रॉफिट भी मिलता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपके पास रही थी वो आपकी थोड़ी थी, तो वहां पे दोनों चीजें मिलेंगी। तो ये आपने बेरेक्ट की डेफिनेशन को पढ़ा सेक्शन 144 के सब सेक्शन 1 में। एक एक्सप्लेनेशन है जो 1976 में इंसर्ट की गई थी। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या कहती है कि फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1 द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास द डिग्री और ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड, यानी कि भाई कोर्ट विच पास द डिग्री है और ऑर्डर शैल बी डीम टू इंक्लूड, क्या होगा? वेयर द डिग्री और ऑर्डर हैज बीन वैरिड और रिवर्स्ड इन एक्सरसाइज ऑफ अपीलेट और रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। देखिए ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप एप्लीकेशन कहाँ लगाएंगे? आप अपीलेट कोर्ट ने तो आपको रिवर्स कर दिया, तो रेस्टिट्यूशन कौन कराएगा? रेस्टिट्यूशन कौन करवाएगा, कौन रिस्टोर कराएगा उसको? तो कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कराएगा वहां पे, यानी कि जहां आपने कोर्ट जिसने पास की, क्योंकि रिवर्स तो अपीलेट कोर्ट ने की है। वेयर द डिक्री और ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड बाय ए सेपरेट सूट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस विच पास सच डिक्री और ऑर्डर। अब मान लो कि वो डिग्री सेट असाइड हुई है किसी दूसरे मुकदमे से, आप दूसरा एक फ्रेश सूट लेकर आए और उसकी वजह से वो डिग्री सेट असाइड हुई है, तो जिसने वो डिग्री पास की थी उसको कोर्ट माना जाएगा। वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज बीन सीज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए ए ने और बी, ए और बी दो लोग थे, इन दोनों में झगड़ा था, लोअर कोर्ट ने क्या किया कि बी के फेवर में जजमेंट दे दिया, डिग्री बी के फेवर में कर दी। ए जो है ये पहुंचा किसी अपीलेट कोर्ट में, और जो अपीलेट कोर्ट थी हमारी उसने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया लोअर कोर्ट के जजमेंट को।
तो फिर ए क्या करेगा, एक कोर्ट में जाएगा, कौन सी में, जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस थी उसकी, थोड़ा सा राइटिंग का हो सकता है इशू, आप समझ लीजिएगा चीज़ों को, ये अपीलेट कोर्ट हो गया, ठीक है। तो ए जाएगा कोर्ट में, कौन सी कोर्ट, जो हमने यहाँ बात की है ए में और एक्सप्लेनेशन के बी में बात की है। लेकिन जब ये पहुंचा यहाँ पे ए, जब तक भाई एकदम से तो न्यायालय में फैसले आते नहीं हैं, अपीलेट कोर्ट में भी उसको टाइम लगा, तो जब तक अपीलेट कोर्ट ने रिवर्स किया कि नहीं ये डिग्री तो ए के फेवर में जानी चाहिए, तब तक जब ये वापस आया रेस्टिट्यूशन की अप्लीकेशन लगाने, तो ये जो कोर्ट थी ये क्या हो गई, सीज हो गई, सीज टू एग्जिस्ट, मतलब ये कोर्ट बंद हो गई। भाई बंद हुई है तो इस कोर्ट के जो केसेस थे, इस केस के पास जो इतने केस थे, जिसका जो जुरिस्डिक्शन था वो किसी कोर्ट को दिया गया होगा, तो जिस न्यायालय को इस न्यायालय का सारा कार्यभार सौंपा गया है, उस न्यायालय में वो एप्लीकेशन लगेगी। इस चीज को बड़ा ध्यान दें, वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, कौन सा था, ये वाला जिसने बी के फेवर में डिक्री दे दी थी, हैज सीज टू एग्जिस्ट और हैज सीज टू हैव ज्यूरिसडिक्शन, या तो बंद हो जाए या उसका ज्यूरिसडिक्शन वहां खत्म हो जाए। द कोर्ट इफ द सूट वेयर इन अ डिक्री और ऑर्डर हैव आज पास्ट वेयर इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन अंडर दिस सेक्शन वुड हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई सच सूट। तो मतलब जहां पे अगर वो फ्रेश सूट लाता तो किस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होता, जो कोर्ट नया बना उसकी जगह पे। तो यहाँ पे यही है कि जिस न्यायालय को उसका कार्यभार दिया गया है, ज्यूरिडिक्शन उसका जिसको दे दिया गया है, उस कोर्ट में आपकी एप्लीकेशन लगेगी। एक सब रूल टू भी है यहाँ पे, ये कहता है कि नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग रेस्टिट्यूशन और अदर रिलीफ वुड ऑब्टेनिंग बाई एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1। कोई फ्रेश मुकदमा लाने की जरूरत नहीं है रेस्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। बस आपका जैसे रिवर्सल हो जाएगा, आपको लो वापस उसी कोर्ट में आना, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जहां आपकी डिग्री पास हुई थी, एक एप्लीकेशन देनी है और आपका रेस्टिट्यूशन हो जाएगा। कुछ केस लॉज नोट कर लीजिए यहाँ पे, देखिए एस एम देशमुख वर्सेस गणेश 1973 बॉम्बे हाईकोर्ट, यहाँ पे रेस्टिट्यूशन के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसके बारे में कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि कोर्ट की वजह से किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ये कोर्ट की प्राइम ड्यूटी बनती है कि उसकी वजह से किसी भी सूटर का नुकसान ना हो। दूसरा यहाँ पे केस आता है माजीबाई वर्सेस मोहन, माजीबाई मोहन बाई बैरोट वर्सेस पटेल मनी बाई गोकल बाई, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है 1965 का। यहाँ भी रेस्टिट्यूशन पे काफी क्लियर कर दी गया था कोर्ट के द्वारा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दी प्रोसीडिंग ऑफ रेस्टिट्यूशन आर दी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, उसको एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग माना गया था। अब वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है तो उसके ऊपर रेस जुडिकाटा भी लगेगा। रेस जुडिकाटा के लिए एक अलग से केस आया मकबूल आलम वर्सेज खोदाजिया 1966 का केस है। यहाँ पे रेस जुडिकाटा की बात आई कि रेस जुडिकाटा भी रेस्टिट्यूशन प्रोसीडिंग पे अप्लाई होगा। तो तीनों केसेस नोट कर लीजिए, यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ अभी नोट्स में नोट कीजिए, देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होगी, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रेस्टिट्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, कि यहाँ पे कोई एररनेस जजमेंट होनी चाहिए, कोई गलत जजमेंट होगी एरर वाले नीचे वाले ओवर कोर्ट की, और उसका बेनिफिट किसी एक पार्टी को मिल चुका हो और दूसरी पार्टी कोर्ट में चली जाए और वो एररनेस जजमेंट जो था लोअर कोर्ट का वो अपीलेट कोर्ट के द्वारा रिवर्स कर दिया जाए। उसके बाद रेस्टिट्यूशन के लिए एग्रीव्ड पार्टी जो अपील लेकर गई थी हायर कोर्ट में वो एप्लीकेशन लगा सकती है, और एप्लीकेशन कहाँ लगेगी, एप्लीकेशन उसी कोर्ट में लगेगी जिसने आपकी वो एररनेस जजमेंट पास की थी, अपीलेट कोर्ट में नहीं लगेगी। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कहाँ लगेगी, उसी कोर्ट में लगेगी, उसको कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बोलते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में वही बताया गया है। तो आज हमने रेस्टिट्यूशन के बारे में देखा, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें,
और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।